आम सहित अच्छा जातीय महिला कमिशन अध्यक्षा रेखा शर्मा अच्छा मैडम सहित अतिथि आलोचना करवा मैडम जिस तरह से आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं मतलब मुख्य मुद्दा क्या है जिस तरह से आपने कहा कि राज्य में जिस तरह से महिला विरोधी हिंसाएं बढ़ रही है और जो ममता मेहर केस को भी आपने मतलब सामने बताया तो क्या पूरा मुद्दा रहेगा आपका मतलब फोकस क्या रहेगा स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते मैं स्टेट गवर्नमेंट को यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षित करें और ऐसे केसेस हो जाते हैं लेकिन उस होने के बाद अगर आपने उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया आपने गलत आदमी को पकड़ लिया या उस एक ही को पकड़ा और बाकी लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको नहीं पकड़ा फॉर सम रीज़न महिलाओं को इंसाफ कर देने के लिए सिर्फ काम करना ही नहीं प्रॉपरली काम करना ज़रूरी है। हाँ आप लोग मिशन शक्ति कर रहे हैं वो सब ठीक बात है वो अच्छा काम भी है वो लेकिन उसके साथ साथ अगर महिला सुरक्षित नहीं होगी तो ये मिशन शक्ति काम नहीं आएगी। बात जो आपने अहम मुद्दा उठाया है जो कि ममता मेहर केस जिसमें मंत्री जो यहाँ के जो गृह मंत्री या गृह राष्ट्र मंत्री दिव्य शंकर मिश्रा उनका इन्वॉल्वमेंट मतलब इस केस में है और विपक्ष भी इसको लेकर पूरा राज्य में मतलब सरकार को वो लोग भी घेर रहे हैं तो इस बार सब तरफ से हर तरफ से यही मांग हो रही है कि यहाँ इस घटना की सीबीआई जाँच की जाए और विपक्ष भी उसी की मांग कर रहे हैं तो आप भी आपने भी उसका मांग की सीबीआई जाँच हो तो सीबीआई जाँच क्यों जरूरत पड़ती है इस घटना को लेकर क्योंकि जब होम मिनिस्ट्री का नाम आए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो हैं जब तक जांच नहीं होगी और जब तक कोर्ट घोषित नहीं करेगा हम नहीं कह सकते कि वो इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं लेकिन अगर जब उनका नाम आया है और वो होम मिनिस्टर हैं तो पुलिस किस तरह से काम करेगी इसलिए मैं चाहती हूँ कि सीबीआई जांच करे ताकि एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। बट जो इस घटना को लेकर जो कहा जाता है जो मुख्य आरोपी जिसको कहा जाता है गोविंद साहू उसको सिर्फ केवल पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है और जो और भी कुछ इसके इस घटना के पीछे और भी रहस्य कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं तो आपको क्या लगता है पुलिस की जो जांच वर्तमान जो चल रही है राज्य में किस तरह से चल रही है उस घटना को लेकर? बहुत ही गलत तरीके से। पहले तो वो गोविंद साहू इतनी ज़्यादा पहुँच छूट कैसे दी गई तब पुलिस कहाँ थी जब उसको इतनी छूट दी गई? जब वो कॉलेज में इन्वॉल्व हो रहा था तब गवर्नमेंट एजेंसीज कहाँ थी? बाकी मिनिस्टर्स भी क्यों विजिट करते थे उसको? या मैंने पढ़ा है एक्स एमपी एक्स एमएलएज उस स्कूल को बार कॉलेज को बार बार विजिट करते थे। इवन जब लॉकडाउन था लॉकडाउन के दौरान भी विजिट क्यों हो रही थी उनकी? ये सबके क्वेश्चंस के रिप्लाइज होंगे ना, कोई जवाब देने वाला होगा ना। आप सिर्फ साहू को पकड़ कर इन क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे सकते। उसकी पहुँच यहाँ तक कैसे थी कि उसको एक बार वो पकड़ने के बाद छूट गया और दोबारा छूटा कैसे पुलिस से? ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं और इनका जवाब देना मेरे ख्याल से पुलिस ही नहीं सरकार को भी जवाब देना चाहिए। और एक बात कहा जा रहा था कि मंत्री अब तक अपने पद पे हैं और हर जगह अभी के प्रचार भी कर रहे हैं तो जाँच एक तरफ जाँच चल रही है एक तरफ मंत्री अपने पद पर अभी जाँच हो ही नहीं रही उनके अगेंस्ट कौन जाँच कर रहा है? वो पद पर से हटेंगे तब तो जाँच होगी। वो पद से हटाना चाहिए ताकि जाँच हो सके। कई बार ऐसा होता है कि आदमी निर्दोष होता है लेकिन अपने निर्दोष होने तक वो छोड़ देता है अपना पद कि ठीक है इन्वेस्टिगेशन हो जाए उसके बाद वापस। तो ये ही होना चाहिए था इस केस में भी। आपने इसके पहले चिट्ठी मतलब आपने चिट्ठी दिया था मतलब राज्य पुलिस को राज्य सरकार को और आज आपने जिस तरह से कहा कि आप जाएंगी पुलिस डीजीपी के साथ आप मुलाकात करेंगे उनसे ये जो जितने सारे सवाल हैं आपके जहन में वो सवाल उनके सामने आप साझा करेंगे उनके साथ तो ये जो सवालों के बीच में जो ममता मेहर जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी राज्य में दिख रहा है तो इसको लेकर आप बीजेपी के साथ किस तरह से आलोचना मतलब बातचीत करेंगे और क्या उनके सामने क्या क्या सब सवाल रखेंगे? इन्वेस्टिगेशन पे ऑब्वियसली सवाल करूंगी कि आपका इन्वेस्टिगेशन में आपने ये जो मैंने मुद्दे आपके सामने रखे मैं रखूंगी कि आपने क्या इन पे इन्वेस्टिगेट किया। आज ये बात आ रही है कि होम मिनिस्टर रांची गए थे इन दोनों से मुलाकात करने, क्या पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेट किया था? ये सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगी आज। एक बात जो राज्य में अभी जिस तरह से महिला विरोधी हिंसा जो हम कह रहे हैं तो राज्य का अब उड़ीसा का खास करके आप सिचुएशन स्थिति कैसे देख रही हैं जो महिला विरोधी हिंसा जितने हो रहे हैं कन्विक्शन रेट जो हो रहे हैं खास करके आपको पता होगा बीच में मतलब एनसीआर भी रिपोर्ट भी मतलब सामने आए थे जो महिला विरोधी हिंसा में उड़ीसा कभी एक नंबर पर आता है तो कभी दो नंबर पर आता है खास करके महिला विरोधी हिंसा में तो इस स्थिति को आप राज्य में कैसे देखते हैं? बहुत दुखदाई है क्योंकि मुझे लगता है ये पीसफुल राज्य है, यहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं, जितना भी है उनके पास संतुष्ट है लेकिन फिर अगर उनको यही नहीं पता कि कहाँ तक जाना है, अगर महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध हो रहा है तो उनको कहाँ जाना है यही नहीं मालूम,
उनको पुलिस तक पहुंच ही नहीं है, तो इस कैसे होगा, महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? सरकार के ही लोग अगर ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो बहुत दुखदायी बात है। आपका जो रिपोर्ट है, मतलब आपकी रिपोर्ट क्या कहती है राज्य में? आप जब जाएंगे DGP के साथ, आप मुलाकात करेंगी, तो आप रिपोर्ट के साथ आप क्या क्या चीज़ उनके सामने है, मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये बार बार मैं क्यों आप सेम क्वेश्चन को घूम, आप सेम मैंने अपनी कंप्लेंट्स के बारे में पूछना है और मेरे सुओमोटो केसेस के बारे में। समय पे जो महिला विरोधी हिंसा को रोकने के लिए खासकर उड़ीसा में आपका सुझाव क्या रहेगा? आपका मतलब यहाँ पे क्या सुझाव रखेंगे कि किस तरह से महिला विरोधी हिंसा को रोका जाए राज्य में, और सारी महिलाओं का क्या कहना? मुझे लगता है यहाँ पे औरतों को अपने राइट्स नहीं पता। पहले पुलिस को और सरकार को ये भी चाहिए कि लीगल अवेयर कराएं, लीगली महिलाओं को अवेयर कराएं कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं, और राइट्स के साथ साथ उनको कैसे पाना है उन राइट्स को, वो भी पता होना चाहिए, कहाँ जाना है पुलिस के तक, और फिर पुलिस को भी ये पता होना चाहिए कि किस तरह से महिलाओं की हेल्प करनी चाहिए। कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि यहाँ काम नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हो जाते हैं जिन पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कार्रवाई पर। आपको पता होगा ममता मेहर के पहले कुदली, आपको पता होगा कुदली दुष्कर्म घटना की बात आप की जाए, पिपली की आप बात की जाए, तो बहुत सारी बेबीना जो बहुत सारी महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हुआ है दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या की गई है, लेकिन बहुत सारे मामलों पे जो मुख्य आरोपी जिनको कहा जाता है, क्योंकि उन सारी घटनाओं पे राजनीतिक बड़े बड़े नेताओं का हाथ होता है, उसमें कई कई मंत्री का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उन सारी घटनाओं पे जो मुख्य आरोपी होते हैं उनको उन तक मतलब पहुँचने तक पुलिस नाकाम रहती है। ये दुख की बात है कि हमारी जो पुलिस है ना वो पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती है, कहीं ना कहीं उनको अपनी पर्सनल मुझे लगता है एक एस्पिरेशन होती है उसको पाने के लिए, वो ये जो नेक्सस है ना पॉलिटिकल और पुलिस का नेक्सस, ये बहुत ज़रूरी है कि ये ख़त्म होना चाहिए जाके ये सारे जा सके, तभी मुझे लगता है हम ट्रू सेंस में महिलाओं को हेल्प कर पाएंगे। हम सहित अधिक आलोचना करते जातीय महिला कमिशन अध्यक्ष रेखा शर्मा, जहाँकि से अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपर हम सहित आलोचना करपर भाव से कहले से ममता मेहर हत्याकांड घटना कहतु किंवा ता पूर्व जितकी चर्चित घटना राज्य में घटी ए सबू घटन जेहेतु नेता मंत्री संपुक्ति रही से फ्री एंड फेयर केमितिया तदंत हो पार स्वच्छता केमी रहीपर निरपेक्ष तदंत हो पार से हम सहित अधिक आलोचना करते। कटक्रु भिडियो जर्नालीस्ट गौतम महांती इमरान खान अर्गस न्यूज़।